कोरोना महामारी से निपटने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन का तीसरा फेज सोमवार से यानी आज से शुरू हुआ है, सोमवार से शुरू हुआ है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को प्रदेश सरकार लाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जयपुर के सिंधी केम बस स्टैंड पर उत्तराखंड में फंसे करीब 500 प्रवासियों को वापस लाया गया। इन प्रवासियों को सिंधी केम बस स्टैंड से राजस्थान के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। प्रवासियों को भेजने से पहले उनका पूरा ब्यौरा लिया गया है, साथ ही उनका मेडिकल टेस्ट भी किया गया है। लॉकडाउन फेज थ्री की आज शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बीते दो लॉकडाउन में जो लोग अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए थे वो अब राजस्थान पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी के चलते बीती रात उत्तराखंड से कुछ जो यात्री थे वो पहुंचे हुए हैं, और इसको आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि जो यात्री हैं उनको जो राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखे थे जिसके तहत यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे मेडिकल की जो टीम है वो पहले इनकी जाँच कर रही है, उसके बाद इन्हें जो प्रदेश के अलग अलग स्थान है वहां पर भेजा जाएगा। दौसा और जो भरतपुर की बस है वो लगभग तैयार भी है, और इस पर अधिक बात करेंगे हम। हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं जो मैनेजर हैं सिंधी कैंप बस स्टैंड के। सर, क्या प्रोसीजर के तहत ये जो पूरा चल रहा है, कैसे किया जा रहा है? कल रात को उत्तराखंड से चलकर करीबन 13 से 14 बसें सुबह जयपुर पहुंची थी। उनके अंदर राजस्थान के लोग, जो राजस्थान के प्रवासी थे, जो वहाँ फंसे हुए थे या वहाँ रह रहे थे, वो लोग सभी लोग यहाँ आए। जो 500 के करीबन लगभग 500 से ऊपर लोग यहाँ आए हैं, उनको सभी को अब अपने जो उनके नैरेटिव डेस्टिनेशन है या उनके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर लिस्ट के अनुसार उनको सभी को उनके डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है यहाँ से। तो सर, लगभग कितनी बसें अभी तैयार की गई हैं? जो जैसे आपने अभी बताया कि भरतपुर और दौसा के लिए भी बस तैयार हो चुकी है, तो कितनी और बसें अभी निकलेंगी? देखिए, अभी ये तो अभी एक उनकी शॉर्टिंग हो रही है, उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज है। बाकी ये है कि सभी को हम यहाँ से अभी भेजेंगे। अभी दो बसें हमारी बाड़मेर जोधपुर के लिए जा चुकी हैं, बाकी दो अभी तैयार खड़ी हैं। बाकी कंटिन्यू ये प्रोसेस दोनों तीनों तरफ चल रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इसका बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जो राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एक कवायद शुरू करी थी कि राजस्थान के जो प्रवासी हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालना है और अपने अपने घरों तक पहुंचाना है, तो उसके तहत जो रोडवेज डिपार्टमेंट है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल टीम भी पूरी तरह से तैनात है, वो लगातार जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो लगे हुए हैं। प्रवासी आ रहे हैं उनकी जांच करवाई जाए और उनको पूरी, मैं एक डॉक्टर हम उनसे बात करेंगे कि आ रहे हैं किस तरह से इनकी जांच हो रही है। एक्चुअली ये सभी क्या बाहर से आया? सबसे पहले कोई उत्तराखंड से आया, कोई कहीं से, कोई हरिद्वार से आया, ये सब वहां से जयपुर आए। अब जयपुर से जो अपना नेटिव प्लेस है वहाँ जा रहे भी है। सबसे पहले इनको मतलब होम डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है इनकी। इसके बाद में एक एक को विथ रूट वाइज बुलाते हैं कि जैसे दौसा जाना है, अभी दौसा भरतपुर की इसमें भरी है, ठीक है, तो अब एक एक को बुला रहे हैं। पूरी हमारे मतलब जो साथी वगैरह है ये सब पूरी अच्छे से स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किसी का कोई टेम्परेचर वगैरह बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ, ये सब पूरा चेक कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इनका जो मतलब 14 डेज का जो आइसोलेशन का सर्टिफिकेट है वो पूरा चेक कर रहे हैं, पूरा चेक करके, और उसके अंदर भी पहले से मतलब टेम्परेचर वगैरह लिखा हो उसका, क्या पूरा मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब कोई वेरिएशन वगैरह तो नहीं है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि जो प्रवासी हैं उनकी जांच चल रही है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जो डॉक्टर्स हैं वो टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, हर वो उस पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है जिससे ये कोरोना वायरस जो कम से कम करने की कोशिश जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया था कि प्रवासी वापस आए और उनके लिए यहाँ पर जो राजस्थान में नेटिव प्लेस है वहां पर भेजा जाए, इसके चलते जो आप देख सकते हैं ये भरतपुर दौसा की बस है जो पूरी तरह से तैयार है और जो कवायद है वो लगातार चल रही है। आज बसें हैं वो कई अन्य जिलों में भी भेजी जाएंगी। मैं कैमरा पर्सन नेमी चंद पांचाल के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज जयपुर। चलिए, समय यहाँ पर एक ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फौरन